हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एसी की फाइनल आंसर की। तो दोस्तों, आपको बताइए कि जो जयपुर मेट्रो है उसने कल यानी कि मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एसी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो दोस्तों, उसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। और दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट ने जो है जयपुर मेट्रो में मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एसी का जो एग्जाम दिया था, तो दोस्तों वो जो है अपनी आईडी लॉगिन करके अपनी जो खुद की फाइनल आंसर की है वो डाउनलोड कर सकता है, यानी कि वो पेपर वो डाउनलोड कर सकता है जो उसने एग्जाम दिया था। और दोस्तों, ये जो आंसर की है वो सभी के लिए जो कॉमन है वो जेएमआरसी ने अपनी जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड कर दी है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि जो जयपुर मेट्रो है उसने हाल ही में यानी कि कल जो मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एसी का जो रिजल्ट जारी किया था, तो दोस्तों उसकी जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी कम गई है। और दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 41% तक गई है, यानी कि दोस्तों जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है जयपुर मेट्रो का वो 40% है। और दोस्तों, इसमें जो है पिछली बार की जो भर्ती हुई थी उससे भी काफ़ी कम कट ऑफ मार्क्स गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो जयपुर मेट्रो की वो जो फाइनल आंसर की है वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम है वो 5 फरवरी 2021 को हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एसी, इसमें लगभग दोस्तों ये जो पेपर है वो 2 घंटे का पेपर हुआ था। और दोस्तों, इसमें जो है लगभग 100 नंबरों का ये पेपर हुआ था। और दोस्तों, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों जो 55 यानी कि जो 55 क्वेश्चन है वो तो ट्रेड के क्वेश्चन है यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एसी के, और दोस्तों जो 45 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल के हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एसी का जो फाइनल जो आंसर किया है वो बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो आंसर किया है वो आपको डिटेल के साथ में बताई जाएगी, वो भी हिंदी मीडियम में। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है मीट्रिक प्रणाली में घनत्व की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, जो मीट्रिक प्रणाली होती है उसमें जो घनत्व की जो इकाई है दोस्तों वो किलोग्राम पर एमएम क्यूब होती है। अब दोस्तों, इसमें निम्न में से किस धातु में 0.02% से 0.03% तक कार्बन सामग्री मिली होती है। तो दोस्तों, वो होता है पिटवा लोहा, यानी कि दोस्तों जो पिटवा लोहा होता है उसमें जो है 0.02% से 0.03% तक की जो कार्बन सामग्री है वो मिली हुई होती है। अब दोस्तों, निम्न में से कौन सी एल्यूमिनियम की मिश्र धातु नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर वो आएगा बेल मेटल, यानी कि दोस्तों जो बेल मेटल है वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से बना हुआ नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बेल मेटल। फिर है दोस्तों, निम्न में से कौन सी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों, आंसर आएगा स्फेरोडाइजिंग, यानी कि दोस्तों जो स्फेरोडाइजिंग होती है वह केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कार्बोराइजिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और जो नाइट्राइडिंग होती है वो क्या होती है, वो केस हार्डनिंग होती है। और दोस्तों, ये जो स्फेरोडाइजिंग होती है वो इसकी प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 2 नंबर। अब दोस्तों, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कैलोरी होती है। तो दोस्तों, आंसर आएगा 252 कैलोरी, यानी कि दोस्तों जो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है उसमें जो है लगभग 252 कैलोरी होती है। अगला है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो दोस्तों, जो किलोवाट घंटा होता है वह विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। फिर दोस्तों, परमापीय गेज का प्रयोग साधारणतया माइक्रोमीटर, तुलनित्र, कंपेरेटर और विभिन्न परिसीमन परमापीय यानी कि लिमिट गेज जैसे मापयंत्रों के सत्यापन हेतु परिशुद्ध मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वो कौन से हैं। तो दोस्तों, वो होता है सर्पण परिमापिया। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस मापयंत्र का प्रयोग परस्पर लंबवत पृष्ठों की यथार्थता के परीक्षण हेतु किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा गुनिया, यानी कि दोस्तों जो गुनिया होता है जिसे हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं, तो दोस्तों उसका जो प्रयोग है वो परस्पर लंबवत पृष्ठों की यथार्थता के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी पदार्थ के प्रतिरोध के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों, आंसर आएगा इसका डी, यानी कि यह इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अब दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है। तो दोस्तों, जो विशिष्ट चालकत्व होता है उसकी जो इकाई है वो होती है सीमेंस पर मीटर। फिर है दोस्तों, समीकरण इनमें से किसकी व्युत्पत्ति है। तो दोस्तों, ये जो समीकरण है वो उसके बारे में पूछा गया है कि ये जो है किसकी व्युत्पत्ति है। तो दोस्तों, आंसर आएगा इसका किरचॉफ का वोल्टेज नियम, यानी कि दोस्तों ये जो समीकरण है वो किरचॉफ का वोल्टेज नियम की क्या है, व्युत्पत्ति है। अगला है दोस्तों, 8 ओम प्रतिरोध में 30 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित रखने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्य की मात्रा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, आंसर आएगा I² RT जूल के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो धातुओं के जोड़ पर तापमान में अंतर के कारण एक वोल्टेज उत्पन्न करने वाली दो असमान धातुओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्मोकपल। फिर है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए संसूचक यानी कि डिटेक्टर के रूप में किस डायोड का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आंसर आएगा पिन डायोड, यानी कि दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे प्राप्त प्रकाश को अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो उसके लिए जो डिटेक्टर है
उसमें पिन डायोड का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 1980 के दशक के मध्य में यांत्रिक प्रशीतन प्रणालियों यानी कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में व्यापक रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों उस समय जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता था। अब अगला है दोस्तों, किसमें प्रशीतन प्रभाव तापीय इनपुट द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा अवशोषण प्रणाली में, यानी कि दोस्तों जो अवशोषण प्रणाली होती है उसमें प्रशीतन जो प्रभाव है वह तापीय इनपुट के द्वारा जो है पैदा किया जाता है यानी कि उत्पन्न किया जाता है। अब दोस्तों कंप्रेसर के आकार और संहति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और यह प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के चयन मापदंडों में से एक है। तो दोस्तों वह क्या है? तो दोस्तों वह है प्रशीतन धारिता। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें प्रशीतन के निष्पादन गुणांक यानी कि कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसे जो है प्रशीतन प्रभाव और कार्य इनपुट के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च वोल्टेज मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए मापयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। फिर है दोस्तों, अज्ञात आवृत्ति के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से किस सेतु यानी कि ब्रिज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा वैन सेतु। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक प्रशीतन कंप्रेसर की आयतन मितीय दक्षता यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को निम्न में से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यानी कि चूषण दाब पर चूषण वाष्प का वास्तविक प्रेरित आयतन और कंप्रेसर का सैद्धांतिक विस्थापन यानी कि इसको जो है परिभाषित किया जाता है। अब दोस्तों एक सुखद वातानुकूलन प्रणाली के लिए एक शुष्क विस्तारी ड्राई एक्सपेंशन डीएक्स कुंडली में कुंडली नलिका के अंदर वाष्पकारक ताप सामान्यतः होता है। तो दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर दोस्तों अधिकांश कमरे में वातानुकूलकों में और कई ऊष्मा पंपों में थ्रोटलिंग उपकरण यानी कि थ्रोटलिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा केशिका नलिका यानी कि दोस्तों कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट INEOS फ्लूअर की ग्लोबल वार्मिंग संभाव्यता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 150 से कम। अब दोस्तों स्क्रॉल कंप्रेसर किस प्रकार का कंप्रेसर होता है? तो दोस्तों ये जो होता है घूर्णी प्रकार का कंप्रेसर होता है। अब दोस्तों केंद्रीय वातानुकूलन प्रणाली में वायु हैंडलिंग इकाई में वायु को कुंडलियों में मौजूद गर्म या शीतल किसके द्वारा गर्म या ठंडा किया जाता है? तो दोस्तों जल के द्वारा जो है उसे गर्म और ठंडा किया जा सकता है। अब दोस्तों प्रणाली से प्रशीतक रेफ्रिजरेंट को पंप डाउन करने के लिए कंडेंसर के द्रव अभिग्राही के आउटलेट पर एक कौन सा वाल्व प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों वो जो है किंग वाल्व प्रदान किया जाता है। फिर है दोस्तों कंप्रेसर के क्रैंक केस में जहां से क्रैंक शाफ्ट बाहर निकलती है उस पोर्ट पर शाफ्ट सील लगाने का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका क्रैंक केस से प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रिसाव को रोकने के लिए जो है उसे लगाया जाता है। अब दोस्तों उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो ऑपरेटर के खतरनाक पुर्जों की पहुँच में आते ही मशीन की गति पर त्वरित रोक लगाता है और या उलट देता है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ट्रिप गार्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युतीय आग के मामले में निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो दोस्तों आंसर आएगा फोम अग्निशामक, यानी कि दोस्तों अगर कहीं विद्युत से आग लग जाती है तो वहां पर फोम अग्निशामक का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वाष्प द्रव्य प्रकार का अग्निशामक, शुष्क चूर्ण अग्निशामक और जो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक होता है इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो एक नंबर का है यानी कि जो फोम अग्निशामक है उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा एक नंबर। अब दोस्तों अनुदैर्ध्य विमाएं वेल्ड प्रतीक के कहां पर लिखी होती है? तो दोस्तों वह दाईं ओर लिखी हुई होती है। फिर दोस्तों विचलन की इकाइयों को किस में व्यक्त किया जाना चाहिए यानी कि डिविएशन की? तो दोस्तों आंसर आएगा मूल आकार के समान इकाई में जो है उन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। फिर दोस्तों रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके कंप्रेसर में जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगाई जाती है। फिर है दोस्तों निम्न में से किसे तरल परिसंचारी पंप यानी कि लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा प्रत्यागामी पंप को, यानी कि जिसे हम रेसिप्रोसिटी पंप भी कहते हैं। अब दोस्तों अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की प्रशीतन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा सोपानी प्रणाली का, जिसे हम कास्केडिंग सिस्टम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 335 किलो जूल पर किलोग्राम है तो एक टन प्रशीतन इनमें से किसके बराबर होगा? तो दोस्तों वह 232.6 किलो जूल पर मिनट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की अवशोषण प्रणाली शांत प्रचालन प्रदान करती है?
तो दोस्तों वाष्प अवशोषण जो प्रणाली होती है वह जो है शांत प्रचालन प्रदान करती है। अब दोस्तों निम्न में से कौन सा आदर्श प्रशीतक आइडियल रेफ्रिजरेंट का गुण नहीं है, तो दोस्तों आंसर आएगा निम्न गुप्त ऊष्मा, यानी कि दोस्तों जो निम्न गुप्त ऊष्मा होती है वह आदर्श प्रशीतक का गुण नहीं होती। फिर दोस्तों निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रशीतक रेफ्रिजरेंट नहीं है, तो दोस्तों आंसर आएगा ब्राइन। अब दोस्तों इनमें से कौन सा प्रशीतक रेफ्रिजरेंट यानी कि फ्रेवन से संबंधित है, तो दोस्तों आंसर आएगा हेलो कार्बन, यानी कि दोस्तों जो हेलो कार्बन नाम का जो प्रशीतक होता है वह फ्रेवन से संबंधित है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह के जो आंसर है वो जेएमआरसी ने एकदम राइट माने हैं, और दोस्तों इन आंसरों को जो है जेएमआरसी ने फाइनल मान लिया है और इसकी जो फाइनल आंसर की वो जारी कर दी है, और दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कल ही जो है इसका रिजल्ट जारी किया गया है और इसका जो फाइनल जो कट ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी कम गया है। अगला है दोस्तों हेलाइड टॉर्च का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों आंसर आएगा रिसाव का पता लगाने के लिए, यानी कि दोस्तों जो हेलाइड टॉर्च होती है उससे रिसाव का पता लगाया जाता है। फिर दोस्तों किस प्रकार के प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट ओजोन अनुकूल होते हैं, तो दोस्तों आंसर आएगा R-134A। अब दोस्तों यदि दो पंखों की मूल आकृति समान और आकार भिन्न हो तो उनके प्रदर्शन वक्रों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उन्हें जो है ज्यामितीय रूप से समरूप पंखे कहा जाता है, जिन्हें हम जियोमेट्रिकली सिमिलर फेंस भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों विनिर्माण प्रक्रिया का इनमें से कौन सा प्रकार इनपुट या आउटपुट प्रक्रियाओं के विरुद्ध नहीं होता है, तो दोस्तों इसमें जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन दोस्तों जेएमआरसी ने इनमें से जो है एक भी आंसर को एकदम राइट नहीं माना है, इसीलिए दोस्तों जो जेएमआरसी है उसने सभी कैंडिडेट को जो है इसमें फुल बोनस मार्क्स दे दिया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जेएमआरसी है वो सभी पेपरों में जो है लगभग यानी कि अभी तक जेएमआरसी ने जितने भी रिजल्ट जारी किए हैं उन सभी में जो है लगभग सभी कैंडिडेट को एक दो क्वेश्चन के तो जो है बोनस मार्क दिए ही हैं। अब अगला है दोस्तों आरेखन यंत्र यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करते समय प्राय इनमें से किस में समय नहीं लगता है, तो दोस्तों जो पैमाना होता है यानी कि स्केल होती है उसमें समय नहीं लगता है। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा अनुपात न्यून कार्य पैमाने यानी कि रिड्यूसिंग स्केल को दर्शाता है, तो दोस्तों आंसर आएगा 1:2, यानी कि इसे जो है रिड्यूसिंग स्केल भी कह सकते हैं। अब दोस्तों निम्न में से किस मशीन का उपयोग कार्यशाला में नहीं किया जाता है, तो दोस्तों आंसर आएगा BLDC मशीन का जो प्रयोग है वो कार्यशाला में नहीं किया जाता। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों धातु कर्तन में डायमंड पॉइंट छेनी का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों वो जो है वी आकार के खांचे बनाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों चालक को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, तो दोस्तों वो जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि दोस्तों जब चालक को गर्म किया जाता है तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों एक बेलनाकार तांबे के तार की त्रिज्या 1 mm और लंबाई 10 मीटर है, यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.72×10⁻⁸ ओम मीटर है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो दोस्तों इसका जो प्रतिरोध है वो होगा 0.0547 ओम। अब दोस्तों दिए गए विद्युत परिपथ में नोड शाखाएं और पास की संख्या ज्ञात करें, तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो आएगा 3, 5 और 3। फिर है दोस्तों एक पंच संयोजी अशुद्धि है तो कौन सी है, दोस्तों वो है एंटीमनी, यानी कि दोस्तों जो एंटीमनी होती है वह एक पंच संयोजी अशुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रशीतन और वातानुकूलन उत्पादों की सर्विसिंग मरम्मत और समस्या निवारण किनके द्वारा किया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आएगा केवल उनके द्वारा जिनके पास आवश्यक ज्ञान प्रशिक्षण एवं उपकरण हो, और उन्हीं के द्वारा ही जो है उनकी जो मरम्मत है या सर्विसिंग है और जो समस्या निवारण है वो करवाया जाना चाहिए। फिर दोस्तों यदि आपको आपके कार्यस्थल पर हुई किसी दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो दोस्तों आंसर आएगा घटना की रिपोर्ट करने के लिए पर्यवेक्षक से संपर्क करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत उपकरण के आसपास आवश्यक न्यूनतम अनुमन्य कार्य स्थान यानी कि इंच में कितना होगा, तो दोस्तों वो होगा 30 इंच। अब दोस्तों इसका जो अगला सेक्शन है वो शुरू हो चुका है, तो दोस्तों जो अगला सेक्शन है उसमें जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें जो है लगभग 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, और दोस्तों ये जो है नॉन टेक्निकल का पार्ट है, यानी कि दोस्तों इसमें जो है टेक्निकल का जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, बल्कि जो टेक्निकल के क्वेश्चन थे वो 55 क्वेश्चन आ चुके हैं, और दोस्तों ये जो 45 क्वेश्चन है वो 45 नंबरों के हैं। तो दोस्तों जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने दिसंबर 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, तो दोस्तों आंसर आएगा हेमंत सोरेन, यानी कि दोस्तों 2019 यानी कि दिसंबर में जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस राज्य की सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना आरंभ की थी, तो दोस्तों आंसर आएगा असम, यानी कि दोस्तों जो असम राज्य है उसमें अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई थी। फिर दोस्तों दिसंबर 2019 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 नामक अपने सबसे बड़े कैरियर रॉकेट का सफल परीक्षण किया था, तो दोस्तों आंसर आएगा चीन। फिर दोस्तों कौटिल्य ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, तो दोस्तों आंसर आएगा अर्थशास्त्र, यानी कि दोस्तों जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक है वो कौन थे, वो थे दोस्तों कौटिल्य।
फिर है दोस्तों इसमें एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार MRTP अधिनियम को 2002 का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निरस्त कर दिया था। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका प्रतिस्पर्धा अधिनियम। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की जो उत्पत्ति है वो किस राज्य से हुई थी। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों कुचिपुड़ी लोक नृत्य है उसकी जो उत्पत्ति है यानी कि उसकी जो पैदाइश है वो आंध्र प्रदेश से हुई थी। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों आंसर आएगा पपीता, यानी कि दोस्तों पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा पपीता है वो भारत में उत्पादित होता है, इसीलिए जो भारत का स्थान है वो प्रथम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था। तो दोस्तों आंसर आएगा चित्तौड़गढ़, यानी कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ में जो है विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। अगला है दोस्तों, सुनामी शब्द से इसके किस भाषा से व्युत्पन्न होने का पता चलता है। तो दोस्तों आंसर आएगा जापानी भाषा से, यानी कि दोस्तों सुनामी शब्द है वह जापानी भाषा का शब्द है। अब दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है। तो दोस्तों आंसर आएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान में नहीं है, बल्कि सरिस्का, केवलादेव और जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि ये जो तीन है वो राजस्थान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड में निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, तो दोस्तों आंसर आएगा 1200 जूल। अगला है दोस्तों, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों आंसर आएगा चालक के तापमान पर, यानी कि दोस्तों अगर कोई चालक है उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा की मात्रा है वह चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विद्युत धारा के वर्ग पर, चालक के प्रतिरोध पर और धारा प्रवाह के समय पर निर्भर करती है। अब दोस्तों, 8 सेंटीमीटर आकार वाली एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, समान अणुसूत्र किंतु भिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इन्हें जो है समावयवी कहा जाता है, यानी कि आइसोमर्स कहा जाता है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विलयन का pH मान 7 होता है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जो pH मान है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ धातुएं दी हुई है, तो दोस्तों इन्हें जो है इनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में जमाना है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर और गोल्ड, यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशीलता है वो पोटेशियम की है, फिर उससे कम मैग्नीशियम की है, फिर उससे कम कॉपर की और लास्ट में जो है गोल्ड की सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में विकास को बाधित करता है। तो दोस्तों जो एब्सिसिक अम्ल होता है वह पौधों में विकास को बाधित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव के पाचन तंत्र में पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है। तो दोस्तों वो जो अम्ल है वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए दोनों पुष्प उभयलिंगी होते हैं। तो दोस्तों जो गुड़हल एवं सरसों के जो पुष्प है वो क्या है, दोनों उभयलिंगी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आंसर आएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि दोस्तों अगर कोई वस्तु है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो दोस्तों उसकी जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों, पी का मासिक वेतन 800 रुपये है और क्यू का वार्षिक वेतन 10,800 है। तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनका जो वेतन है वो आएगा 8:9, यानी कि दोस्तों पी का जो वेतन है वो तो होगा 8 और जो क्यू का वेतन वो होगा 9, यानी कि वो भी अनुपात में। अब दोस्तों, यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 60% से 40 कम है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो जो संख्या वो 200 आएगी। अगला है दोस्तों, इसमें अमित ने 2 लाख में एक कार और 1 लाख में एक बाइक खरीदी, तो उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 10% की हानि पर बेच दिया, तो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो आंसर आएगा 10/3% लाभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है वो 530 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि P, Q और R एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, P अकेले उसी कार्य को 40 दिन में और Q अकेले उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो R अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों वो जो है अकेला 200 दिनों में जो है उस कार्य को पूरा करेगा। अब दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 119, 1015 और 2450 को पूर्णतया विभाजित करती है। तो दोस्तों वो आएगा 7, यानी कि दोस्तों ये जो 7 है वो तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों आंसर आएगा 50/3%।
अगला है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 412 रुपये हैं, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो जो धनराशि होगी 41,200 रुपये। अब दोस्तों उस समस्त भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24√3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आंसर आएगा 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 समांतर भुजाओं की जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है और उनके बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइसों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आंसर आएगा कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, यानी कि दोस्तों ये जो तीनों जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इस पेपर में जो है जो 45 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं इसमें दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है और दोस्तों गणित के भी क्वेश्चन है, साथ में जीके के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विशेषकर निर्धारित समय सीमा के साथ अनुप्रयोग हेतु डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों आंसर आएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क्स में CDMA का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या होगी, तो दोस्तों वो होगी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म है। अब दोस्तों OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो दोस्तों इस मॉडल में जो है 7 लेयर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा MS Word 2019 में डॉक्यूमेंट को इस प्रकार जूम करने के सही चरण प्रदर्शित करता है ताकि यह विंडो में कई पेज प्रदर्शित कर सके। तो दोस्तों आंसर आएगा व्यू टैब, फिर आएगा जूम ग्रुप के अंदर मल्टीपल पेजेज चुने, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन है सी ए फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प हर। तो दोस्तों इस खाली जगह में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा हैज, यानी कि सी हैज ए फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प हर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी खाली जगह को भरना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है माई मदर हैज बिकम वेरी वीक एंड इन वुलनरेबल टू इन्फेक्शन। तो दोस्तों आंसर आएगा हैंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है अवर टीचर इज शोविंग ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द ऑडिटोरियम। तो दोस्तों आंसर आएगा ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज बीइंग शोवन इन द ऑडिटोरियम बाय अवर टीचर, ये इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों क्वेश्चन है आई सेड टू माई फ्रेंड विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टूडे। तो दोस्तों आंसर आएगा I asked my friend if he would be attending the meeting that day. ये इसका राइट आंसर होगा। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, parts of the following sentence are given as options. Identify the part that has an error. तो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें I am looking forward to meet your family. तो दोस्तों आंसर आएगा to meet. अगला है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों स्तंभ जो है इसमें तत्सम शब्द है। फिर है दोस्तों सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूर और जो कायर है वो क्या है, एकदम सही विलोम शब्द है, यानी कि दोस्तों सूर का क्या होगा, कायर होगा। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से यमुना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा अर्कजा, यानी कि दोस्तों जो यमुना शब्द है उसका जो पर्यायवाची है वो होगा अर्कजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वागत शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो दोस्तों स्वागत जो शब्द है वह एक पुल्लिंग शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आचार बनाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आंसर आएगा बहुत मारना, यानी कि दोस्तों जो अचार बनाना मुहावरा है उसका जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत मारना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था, यानी कि दोस्तों इस पेपर में लगभग 100 क्वेश्चन आए थे जिसमें दोस्तों 55 जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल के थे और जो 45 क्वेश्चन थे दोस्तों वो नॉन टेक्निकल के थे। तो दोस्तों ये जो आंसर की थी वो जयपुर मेट्रो की मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड AC के फाइनल आंसर की थी। तो दोस्तों जयपुर मेट्रो ने ये जो फाइनल आंसर की वो जारी कर दिया और दोस्तों इसका जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स है वो भी जारी कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आपने कल वीडियो देख लिया होगा कि जो इसका अब की बार जो कट ऑफ मार्क्स है वो पिछली बार की भर्ती से भी काफ़ी कम गया है। तो दोस्तों आपने ये तो देख लिया होगा कि जो JMRC है उसने इस पेपर में जो है किन आंसरों को एकदम राइट माना है और दोस्तों किन क्वेश्चनों में जो है JMRC ने इसमें जो है बोनस अंक दिया है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप mknacademy के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।